इन्होंने ईडी का और पैसे, आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे किस किस कितने बॉन्ड किसको किस पार्टी ने दिए। और ये तो एक नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से, दो नंबर का पता नहीं कितना पैसा का। एक एक एमएलए 25 करोड़, 50 करोड़, 100-100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हरीश रावत की सरकार बनाई, एमएलए खरीद के, एमएलए तोड़ के इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं थोड़े दिन के अंदर। और फिर कहते हैं हम जीतते हैं, ये जीतते थोड़ी हैं, सरकार गिराते हैं, ये जीतना थोड़ी है, ऐसे बनाओगे सरकारें तुम। इन्होंने एक एक करके पार्टियां तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई, एमवीए की सरकार बनाई, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई, अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल किए, शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने तोड़ दिए। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने एनसीपी के एमएलए तोड़ दिए, वहां की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। इनका फॉर्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही मत, कोई विपक्ष में ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात के होंगे, फिर तो इन्हीं को वोट पड़ेंगे। सबको जेल में डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में।